Hey, hi everyone, कैसे हो आप लोग? And I am so happy to announce you that finally I am going to be free because मेरे आज शूट का पैकअप होने वाला है इस लोकेशन से एंड मैं होने वाली हूँ फ्री कुछ दिनों के लिए और फिर दोबारा से थोड़े दिन के लिए सीन्स लगेंगे मेरे क्योंकि मेरे कुछ सीन्स पेंडिंग बचे हैं जो कि अलग लोग एंड यू नो व्हाट गाइस I easily get emotional to the people, not people, the loved ones. Like my makeup artist, she becomes my very good friend. You know, with the set, with the corner of the balcony, and my table or my bedroom. Yeah, I don't generally sleep on my bed because you know what, मुझे आदत नहीं थी उस bed की. But you know, होता है ना कि connecting सा feel होता है, and I felt so connected. लादू. तो आई फेल्ट सो कनेक्टेड विद द यू नो विद माई बेड और आई कैन से मेरी बैल्कनी के साथ में विद द फूड मेम्बर जो यहाँ पे आके हमें डिनर देते थे या लंच देते थे एवरीथिंग यार वी बिकम लाइक अ फैमिली यू नो दैट मेक्स यू फील लाइक दैट दिस सेट इज गोइंग टू बी एंड दैट हर्ट्स दैट मेक्स यू फील सो इमोशनल एंड आई फेल्ट बैड लाइक इट्स गोइंग टू बी एंड सून एंड या हर सेट पे हर चीज़ें अलग अलग एक्सपीरियंस होती हैं और इस सेट पे भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था बट यू नो व्हाट गाइस दैट इज़ समथिंग लाइक ना यू नो शायद ये मेरे काम की खूबसूरती है कि मुझे हर सेट पे अलग अलग सेट पे काम करने का मौका मिलता है माय जॉब इज़ नॉट बोरिंग लाइक अदर जॉब पीपल्स लाइक जिनका 9 to 5 का जॉब है एक ही लोकेशन पर जाना है कि दैट इज़ समथिंग वेरी गुड इन माई फील्ड हाँ थोड़ा ये है कि पता नहीं होता अनसर्टेन है करियर का पता नहीं होता दैट इज़ ट्रू बट या आई लव माई फील्ड एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं हर एक इंसान से और हर नए सेट के साथ हम नए लोगों से जुड़ते हैं और यू नो वट ये बहुत खूबसूरत होता है कि आप इतने सारे लोगों को जान पाते हैं इतने सारे लोगों को मिल पाते हैं और ये आपकी जर्नी का बहुत खास हिस्सा रह जाते हैं बिकॉज आपको हर एक इंसान से बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी दोस्त बन गई एंड इट्स समथिंग लाइक कि या उसका भी ऐसे ही लाइक शी इज़ लाइक गोइंग टू बी ट्रैवल समवेयर तो या आई वॉज लाइक कि कल वो नहीं आई तो आई वॉज मिसिंग हर कि वाई शी डिडेंट कम तो दैट इज़ समथिंग लाइक वी गेट कनेक्टेड नाउ एंड आई एम नॉट फेक यू नो व्हाट आई फील ना आई फील what I don't feel, I don't feel. I don't pretend actually. I'm very raw. So that is something ki that hurts ki like yeah aaj backup ho raha hai is location ka and I'm feeling like I got tears in my eyes, you know, I get so connected with it and I'm like ki ye ab location zyada matlab ab aur ye meri location nahi hai That was hurting me, you know. That was actually hurting me, and I was like, set है कुछ limited समय के लिए हम आते हैं और हमें जाना होता है But you know what? When I passed my 12th in 2020, you know, तो I was also feeling like this कि इतने साल दिए थे स्कूल को तो ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है तो डैट वॉज समथिंग लाइक वेरी हर्टिंग मी आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स यू नो तो दैट इज समथिंग इन मी कि हाँ आई गेट सो मच इमोशनल इन्वॉल्व विद द थिंग्स विद द मेमोरीज और विद द प्लेसेज वट एवर इट इज बिकॉज या आई फील यू शुड बी अ वेरी सेंसिटिव इफ यू आर नॉट सेंसिटिव ना यू कान फील इट यू आर इफ यू आर लाइक वेरी स्टोन हार्टेड पीपल ना You can't feel the waves, emotions or the things happening around yourself or in your surroundings, you know. You should be a very active, a very sensitive, as an actor, you should be a very sensitive. If you are not sensitive, na, you're not able to catch the emotions or the expressions. Because jo dil se nikalta hai na, yaar, wo chehre pe dikhta hai. Jo aap feel karte ho na, wo aapke shabdon mein aata hai. जो आपके दिल को लगता है ना वो आपकी आंखों में झलकता है तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ यू आर एन एक्टर
तो फॉर मी इज़ लाइक दिस इज़ वेरी गुड थिंग. आई फील लाइक कि गॉड गेव मी दैट आई एम आई इमोशनल काइंड पर्सन. सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. आई फील लाइक नेचर गिव मी. इनफैक्ट आई फील वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स. लाइक दे आई एम वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ दैम, बिकॉज ऑफ द जीन्स आई गॉट. एंड या आई एम थैंकफुल दैम कि दे आर सपोर्टिंग मी. हाँ आई एम जिद्दी काइंड ऑफ गर्ल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग माई प्रोफेशन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे लगाव के साथ, और अपना सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि मेरी जर्नी आपसे शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ मेरी जर्नी को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए. क्योंकि जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हैं ऐसे ऐसे मेरा विश्वास भी बढ़ता है आप लोगों के साथ में. तो आई वॉन्ट यू टू बी विद मी विद माई ऑल इंच बाई इंच स्टेप्स, यू नो, बिकॉज मैंने जीरो से स्टार्ट किया है. तो आई वॉन्ट कि वेन जब मैं छत पर जाऊँ ना, वेन आई रीच देयर ना, तो आई वॉन्ट यू ऑल शुड बी विद मी, यू नो. आई डोंट वॉन्ट सी माई सक्सेस विदाउट यू गाइज, बिकॉज यू आर माई पावर, यू आर माई एनर्जी, एंड यू आर माई, यू नो, ट्रस्ट. आई गेट सो मच हैप्पी वेन आई गेट टू सी द लाइक्स, आई गेट टू सी द कमेंट्स, आई गेट टू सी द, यू नो, views. I feel so happy because I feel like yeah, these people are with me. So that's a very important thing. I love hard coffee, so that is something I just love about it. So I want to that you guys keep support me, because without your support we all performance are zero, because you are our viewers, you are our God. बिकॉज यू नो वट, अगर आप लोग हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे नहीं तो हम किसके लिए परफॉर्म करेंगे. तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव, एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज एन एक्टर और एज एन कहीं पर भी आप काम करें. तो आपकी जो सपोर्ट होती है ना, आपका जो पावर होता है, आपका जो हम पे भरोसा होता है ना, दैट मेक्स अस फील अलाइव, जिंदा करता है, कुछ करने का दिल करता है जब ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग हमारे साथ में हैं, यू नो. एंड दैट्स इट, एल्स मैं इमोशनल हो जाऊंगी और यू विल सी मी क्राई. मैं इन द सेम समथिंग आई डोंट वांट टू शो माय फेस व्हेन आई एम क्राइंग. या आई लुक क्यूट, आई लुक थोड़ा सा टेरिबल, क्योंकि रोते हुए तो कोई अच्छा ही लगता है, स्माइल करते हुए सब अच्छे लगते हैं. तो दैट इज समथिंग. आई एम एंजॉयिंग माई कॉफी, आई वॉन्ट योर यू शुड बी. बाकी ये मेरे पूरे दिन की पहली कॉफ़ी है, मैंने टी पिया था. जनरली मैं समर्स में छोड़ देती हूँ, बट स्टिल आई फाइंड लाइक कॉफ़ी, तो मैंने बोला आखिरी दिन है सेट का, कुछ तो यादें बनती हैं, है कि नहीं. तो गाइस प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, जो फील किया आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से उसे बताना अपने कमेंट्स में. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना. और आई जस्ट वांट यू टू बी विद मी ऑल टाइम, मेरे हर स्टेप में, बिकॉज सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू ऑल गाइज आर माई फैमिली, एंड दैट्स मीन अ लॉट फॉर मी. बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं आप लोगों के व्यूज़. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. Take care.